हरे कृष्ण, ये एक प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है कि आप इस्कॉन के जो भक्त हैं, आप लोग चाय क्यों नहीं पीते? चलिए, आप लोग शराब नहीं पीते, आप लोग मांस अंडा नहीं खाते, ये तो समझ में आता है। अरे चाय, ये तो भारत की, हिंदुस्तान की आत्मा है, हर व्यक्ति चाय पी रहा है, आप लोग क्यों नहीं पीते? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं, 200-250 साल पीछे जाएं, तो भारत की जो खान पान की जो आत्मा थी वो चाय नहीं थी, वो दूध था, दही था, मक्खन था, छाछ था, दही था, घी था इत्यादि। चाय तो बल्कि ब्रिटिशर्स ने, जब ब्रिटिश राज इंडिया में था, उन्होंने यहाँ पर मशहूर उसे बना दिया। चाय में कैफीन होता है और कैफीन एक हल्का नशा है। जी हाँ, कैफीन उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन उसका असर होता है। जैसे मैं खुद पर्सनल लाइफ में उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने किसी अपने बहुत प्रिय व्यक्ति को बोला कि क्या आप चाय छोड़ सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं पिछले 25-30 साल से चाय पी रहा हूँ, अगर मैं चाय छोड़ दूंगा तो मेरा जो काम है, उनकी जो ड्यूटी है, वो कर ही नहीं पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी लत लग जाती है, आदत हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति दिन में 4-5 कप चाय पीता है और उसको वो ना मिले किसी कारण से, तो वो अपनी ड्यूटी, अपना कार्य, अपनी पढ़ाई, अपना बिजनेस उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसी को तो नशा बोलते हैं, कि उस चीज़ के बिना आपकी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाए, आपकी इफिशियंसी डाउन हो जाए। तो क्योंकि किसी भी प्रकार का जो नशा है, इसे तामसिक बोला गया है, और जो लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें धीरे धीरे तामसिक चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने के लिए या इस्कॉन से जुड़ने के लिए आपको चाय छोड़नी ही पड़ेगी पहले दिन, ऐसा नहीं है। आप चाय पी सकते हैं, कोई बात नहीं, भगवान का नाम जप करने के लिए नियम ए न काला, कोई नियम काल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जब आप कृष्ण से आपका प्रेम संबंध बढ़ेगा, तो आपको लगेगा, अरे यार, कृष्ण के लिए मैं तो जो भी अब खाऊंगा केवल कृष्ण को भुलवा के ही खाऊंगा। तो कृष्ण तो चाय पीते नहीं, कृष्ण तो दूध दही मक्खन खाने वाले हैं, तो फिर आपको भी दूध दही मक्खन ही खाना पड़ेगा, उनके धाम में रहना है तो वही करना पड़ेगा जो वो करते हैं। तो इसलिए इतना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। अलग से चाय छोड़ने के लिए किसी को मत कहिए, ना ही आप छोड़िए, आप बस भक्ति में लग जाइए। आप इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे राम में जुड़ जाइए। धीरे धीरे आप खुद ही, कोई आपको आपको बोलेगा नहीं, खुद ही धीरे धीरे आपका मन इतना चाय में नहीं लगेगा। और अगर बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है चाय पीने की, तो हर्बल टी पी सकते हैं। कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं, क्योंकि ग्रीन टी में क्या है, कैफीन बहुत कम होता है, तो अच्छी बात है, उसमें कैफीन की मात्रा कम है, इसलिए इसे हेल्दी भी माना जाता है। और हर्बल टी तो और भी बढ़िया, क्योंकि इसमें कैफीन है ही नहीं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव आजकल आ गए हैं मार्केट में, जो कि प्राकृतिक हैं और ट्रेडिशनल हैं, तो उनको लिया जा सकता है गर्म पेय के रूप में, है ना। तो आपके स्वास्थ्य की जहाँ तक बात हो, या आपके दिनचर्या के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, चिंता की बात नहीं। तो आप भक्ति करते रहिए, और अगर कृष्ण ने चाहा तो चाय छूट ही जाएगी। और जो लोग भक्ति में सीरियस हैं, उन्हें किसी प्रकार के तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए, चाय को भी इंक्लूड करते हुए। हरे कृष्णा।